आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ मुरादाबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुरादाबादी चिकन बिरयानी हर किसी की फेवरेट है और बेस्ट पार्ट इस रेसिपी का ये है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल और क्विक रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और वो भी उन्हीं सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ जो हमारे घर पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये माउथ वाटरिंग रेसिपी। बिरयानी के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, 100 से 125 ग्राम के करीब ये मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है, ये सौंफ का पाउडर है, 2 चम्मच ऐड कर देंगे इसे भी। खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 चम्मच जीरा, जावित्री की 2 स्टिक ली है मैंने, 1 बड़ी इलायची ली है, 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली है, 5-6 लौंग ली है, 1 स्टिक दालचीनी की ली है और 2 हरी इलायची ली है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 8 से 10 कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, मिक्स कर दें और इस मिक्सचर को हम रख देंगे आधे घंटे के लिए साइड में ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। अब जिस भी बर्तन में आपको बिरयानी बनानी है उसे गैस पर रखें और उसमें ऐड करें 1/4 कप कुकिंग ऑयल। तेल गर्म होने पर उसमें ऐड करें स्लाइस किया हुआ प्याज, और ये तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 प्याज ऐड की है बड़े साइज़ की, और प्याज को गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है। तो देखें प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें से मैंने थोड़ा सा प्याज निकाल कर गार्निशिंग के लिए रख दिया है, और बाकी प्याज में अब हम ऐड कर देंगे तेज पत्ता और बस 1 से 2 सेकंड के लिए इसे फ्राई करें। अब ऐड करेंगे इसमें मैरिनेटेड चिकन और 1 मिनट तक हम इसमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे जब तक दही से पानी अलग ना हो जाए, और फिर दही का पानी सूखने तक हम इसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ देखिए अब दही का पानी सूख चुका है, तो हम 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते हुए भून लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। अब इसमें ऐड की है मैंने 2 से 3 बीच से कटी हुई हरी मिर्च, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, मसालों से तेल भी अलग हो गया है, तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। मैंने 2 ग्लास बासमती चावल यूज़ किए हैं जो तकरीबन 500 ग्राम के करीब हैं, तो मैं यहाँ पर 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अंदाजे से पानी ऐड करें जितना भी आपको सही लगे चावल बनाने के लिए। अब ऐड कर देंगे इसमें नमक, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इसे मिक्स करें और ढक कर पानी में बॉईल आने तक इसे पकने दें। पानी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे हम राइस, और राइस को मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। एक बार सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें और उसके बाद इसे ढक कर हाई फ्लेम पर पकने दें। 2 से 3 मिनट बाद इसे एक बार फिर से चला देंगे और फिर से ढककर इसे मीडियम हीट पर पानी सूखने तक पकने देंगे। तो देखिए ये सारा पानी लगभग सूख चुका है राइस से, और यहाँ मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, और ध्यान रहे मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो 1 से 2 ड्रॉप ही आप ऐड करें, वरना सारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी और आप कहेंगे कि फरहा ने बताया था। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जर्दे का कलर यानी कि फूड कलर, जिसे मैंने पानी में डिसॉल्व करके रखा हुआ था। अब जो गार्निशिंग के लिए तली हुई प्याज रखी थी वो ऐड कर देंगे ऊपर से, और अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने दें। 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे अभी खोलना नहीं है, 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रहने दें।
15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी जबरदस्त सी मुरादाबादी बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसे सर्व करिए आप बूंदी या खीरे के रायते के साथ और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी बिरयानी। अब मुझे दें इजाजत, फिर हाजिर होंगी मैं लेकर एक नई रेसिपी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।